बीजेपी सांसद और भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन भी दिल्ली के दंगल में चुनाव प्रचार में शामिल हैं। उन्होंने दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया, साथ ही केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भोजपुरिया अंदाज में भी आप सरकार पर वार किया। उनसे बात की हमारे संवाददाता रचना उपाध्याय ने। आप प्रचार के लिए हैं, प्रचार जोरों पर है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो प्रचार के लिए मैं जानना चाहूंगा। जब भी भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए निकलता हूँ, वो दिन मेरे लिए बड़ा अद्भुत होता है। उस एक ऐसी ऊर्जा का प्रवाह होता है, क्योंकि देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में, अपने नेता नरेंद्र मोदी जी के बारे में, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, एक अच्छी विचारधारा, पार्लियामेंट अभी अटेंड किए और यहाँ आए, बड़ा बड़ा आनंद आ रहा है। और आप ये जोश देख रही हैं, जो साउंड देख रही हैं, इससे पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने दिल्ली में जा रही है। तो इस बार जो चुनाव हो रहे हैं वो शाहीन बाग वर्सेस लोकल मुद्दे नजर आ रहे हैं, शाहीन बाग का मुद्दा भी उठ रहा है और सीए भी जिस तरीके से एंटी प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसे कैसे देख रहे हैं? शाहीन बाग देखिए, मैं नहीं चाहता हूँ कि 35 से यहाँ झुकी जहाँ हम लोग आए यहाँ पे शाहीन बाग बने। मैं नहीं चाहता दिल्ली के हर मोहल्ले में, हिंदुस्तान के हर मोहल्ले में शाहीन बाग बने। कई लाख लोगों को रोजगार तकलीफ हो रही है, कई लोगों की जिंदगियों को इन लोगों ने बेहाल कर दिया, और शाहीन बाग एक विचारधारा, एक कट्टरपंथी की विचारधारा, और इस तरह से ये विचारधारा, मुसलमानों से हमको कोई आपत्ति नहीं, मुसलमान मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं, बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं, लेकिन ये कट्टरपंथी विचारधारा देश के लिए अच्छी बात नहीं। और हम लोगों को अपने देश को बड़ा बनाना है, देश के टुकड़े नहीं करने, शर्जील जैसे लोगों को हम लोगों को पैदा नहीं करना जो कि देश के खिलाफ चल रहा है। तो ये जो कट्टरपंथी विचारधारा है वो है शाहीन बाग, और पूरे दिल्ली ने तय कर लिया है कि हमारे मोहल्ले में शाहीन बाग नहीं चाहिए। हिंदू मुसलमान प्रेम से रहते हैं, हिंदू मुसलमान भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। रवि जी, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने 370 35 ए के लिए काम किया, सीए लेकर आए, कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियों की बात करें तो विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि बीजेपी इस पूरे चुनाव को कम्युनल रूप देने का काम कर रही है। नहीं नहीं, ये कम्युनल रूप, ये शाहीन बाग बीजेपी ने थोड़ी खड़ा किया, शाहीन बाग बीजेपी, शर्जील बीजेपी ने थोड़ी खड़ा किया, कौन कर रहा है? कौन आज भी राष्ट्रपति का भाषण हुआ तो लोग पार्लियामेंट में झंडा लेके खड़े हो गए, ये कौन कम्युनल कर रहा है? कौन किनको लग रहा है, किसको लग रहा है कि हमारे वोट बैंक की राजनीति खत्म हो रही है, किसको लग रहा है कि हमारी पार्टियां खत्म हो रही है? एक आखिरी सवाल है कि दिल्ली में 21 साल का वनवास खत्म होगा, अपने अंदाज में वोटर्स से आप क्या अपील करना चाहते हैं? भैया और सब लोगन के, हम रवि किशन यह कहा कि जिंदगी झंड बा आप पार्टी के और तब हम लोगन के घमंड बा। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी सांसद रवि किशन, जिनका कहना है कि देश के लोगों को जागना चाहिए और बीजेपी को जिताने में आगे आना चाहिए। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ रचना, न्यूज 18 दिल्ली।